जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू ने 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया। ये ऑल इंडिया रेडियो से भी और दूसरे कई अन्य चैनलों से भी खबर आ रही है। जीसी मुर्मू को जम्मू कश्मीर का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हुए 1 साल से भी कम का समय हुआ है और ऐसी स्थिति में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि ये पद 5 साल के लिए होता है। जैसे गवर्नर का टेन्योर होता है वैसा ही लेफ्टिनेंट गवर्नर का टेन्योर भी होता है। एक खबर में ये कहा गया है प्रिंट मीडिया की कि जीसी मुर्मू इसलिए इस्तीफा दिए हैं क्योंकि शायद वो भारत के अगले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। खबर ये है कि जो अभी सीएजी हैं महर्षि, वो 7 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद शायद सीएजी के रूप में जीसी मुर्मू जो है शपथ ग्रहण करें, तो हो सकता है कि ये कारण हो। अन्यथा तो ऐसा कोई कारण मुझे नहीं लगता कि जीसी मुर्मू जो है रिजाइन करते। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, उसी हिसाब से उसको आगे आपके सामने शेयर करेंगे।